दोस्तों आप अपने YouTube की वीडियो बनाते समय अपने यूजर्स को अच्छे से समझाने के लिए ब्रश का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं जहाँ पर भी आइकन बना रहा हूँ यहाँ पर शो हो रहा है आपको। आप इस तरह से कुछ भी समझा सकते हो अपने यूजर्स को वीडियो बनाते समय, और यहाँ पर आपके सामने कुछ रंग बिरंगे कलर भी दिखाई देंगे। आप उसी कलर में आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हो। और इस सब की कौन सा ये एप्लीकेशन है और क्या इसकी सेटिंग है, इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ऐप ओपन करना होगा। ध्यान रहे ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। DU Recorder APK और इसे आप सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ पहले ये ऑप्शन आएगा, इसे आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसे लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डाउनलोड होने के लिए ये फाइल आ जाएगी। तो मैं अभी इसे डाउनलोड नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ और बता देता हूँ इस एप्लीकेशन की क्या सेटिंग है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे लास्ट में सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं यहाँ पर आप और यहाँ पर आपको HD वीडियो बनाने के लिए इस पर क्लिक करना है, और सबसे पहले आइकन को ही सिलेक्ट करके रखना है, और इसे आप ऑफ होगा तो इसे आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप वीडियो बनाते समय आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड होती रहे। और इसे आप डिसेबल रखिएगा ताकि आप वीडियो बनाते समय आपका मोबाइल हिल भी जाए तो आपकी वीडियो स्टॉप ना हो। और काउंटडाउन, जब आप अपनी वीडियो स्टार्ट करें तो आप कितने सेकंड के बाद अपनी वीडियो आपकी वीडियो बनने के लिए रेडी हो, तो आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पर कुछ कैमरा है, जब यहां पर आप इसे अनेबल कर दोगे तो आपका फेस भी आगे की तरफ दिखाई देगा वीडियो बनाते समय। और यहां पर आपको जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में टच शो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो। और सबसे मेन चीज़ आती है वाटरमार्क, आप अपनी वीडियो में से वाटरमार्क कैसे हटा सकते हो। तो आपके मोबाइल में ये ऑन होगा तो आप इसे ऑफ कर दीजिएगा। और ये सब, और यहाँ पर आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब आ गया ब्रश की, जो कि है हमारी सबसे मेन चीज़। यहाँ पर आपके मोबाइल में ये ऑफ होगा तो आप ऑफ होगा, जैसे आप देख सकते हो अब ये नीचे से गायब हो चुकी है। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये आपकी यहाँ पर ये आ चुकी है। अभी आप कुछ भी समझाने के लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपके सामने कुछ कलर भी दिए हुए हैं, जिस भी कलर पर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। और बैक करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, और इसे आप काटने के लिए इस पर क्लिक करिए क्रॉस पे। याद रहे दोस्तों, आप जब तक इस क्रॉस के आइकन पर क्लिक करेंगे नहीं करोगे तब तक आप ना ऊपर की तरफ जा सकते हो ना नीचे की तरफ जा सकते हो। जब आप नीचे या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो आपकी स्क्रीन पर यह निशान आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए, तो यहाँ पर एक लाइन बन रही है। आप नीचे की तरफ जाने के लिए आपको इस आइकन पर कैंसिल करना होगा, तब आप नीचे की तरफ जा सकते हो। इस एप्लीकेशन के बहुत से सेटिंग है, अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम ब्रश का उपयोग कैसे कर सकते हो, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।